एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पत्नी थी। कुछ दिनों बाद उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। वे बहुत प्रसन्न हुए और गरीब होने पर भी बड़े प्यार से उसका लालन पालन करने लगे। दोनों उसका बड़ा ख्याल रखते थे, कभी उसे अकेला नहीं छोड़ते थे। एक दिन उसकी माँ नदी पर नहाने के लिए गई। वह अपने पति को अपने बेटे के पास बैठा गई। अचानक उस नगर के राजा की दासी वहां आई और बोली, महाराज आपको अभी राजमहल चलना होगा, आपको पूजा करवानी है। ब्राह्मण सोच में पड़ गया, अगर वह जाता है तो बेटा अकेला रह जाएगा, नहीं जाता तो उसे दक्षिणा नहीं मिलेगी, वह करे तो क्या करे। बहुत सोचने पर उसे एक उपाय सूझा। उसके पास एक पालतू नेवला था, उसे वह अपने बेटे की रक्षा के लिए उसके पास छोड़ गया और स्वयं दासी के साथ चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद एक सांप वहां आया और वह बालक की ओर चला। नेवले ने सांप को देखा, फिर बच्चे को देखा। वह बड़ा स्वामी भक्त था। स्वामी के बेटे के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसने सांप पर हमला बोल दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। थोड़ी देर बाद बहुत सारी दक्षिणा लेकर वह ब्राह्मण अपने घर लौटा। नेवला उसे दरवाजे पर ही मिला। नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ था। उसने समझा कि इस नेवले ने मेरे बेटे को मार डाला है। बस यह सोचते ही उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर नेवले पर दे मारा। बेचारा नेवला उसी समय मर गया। अब ब्राह्मण अंदर गया। वहां उसका पुत्र बड़े आराम से लेटा हुआ था और उसकी चारपाई के पास एक सांप मरा हुआ पड़ा था। यह देखते ही वह सब कुछ समझ गया। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।